नहीं, और मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये जो तीनों हैं यहाँ पर, आई एम सो हैप्पी सो ग्लैड कि हम दोनों यहाँ पर वकील हैं, क्योंकि हम लोग अगर कटघरे में तो हमारे कपड़े उतार देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो पारितोष, अगला सवाल कपड़े उतारने वाला है। एक तो इस टीम के साथ काम करना ही, ये सारी चीज़ें मुझे याद रहेंगी, वो तालियां मैं फ्रेम करा के रखूंगा अपने घर में हमेशा के लिए, कि कभी लाइफ में कभी कुछ डाउनफॉल ऐसा आए तो वो मैं देख के मोटिवेट हो जाऊंगा, एक ये मेरे लिए हमेशा रहेगा। और ये शो मेरे लिए ऐसा है कि कोई लड़का गली में क्रिकेट खेलता हो, उसको उठा के बोला जाए कि तू इंटरनेशनल में खेल बड़े दिग्गजों के साथ, और वो खेलने का उसको मौका मिलता है और खेलता है, और सीनियर इतने प्यारे हैं कि बोलते हैं वेल प्लेड, तो ये मेमोरी हमेशा रहेगी ये ज़िंदगी में। और इस बड़े स्टेडियम में मैं कहूँगा आपने चौके छक्के मारे, ऑलरेडी इंप्रेस कर दिया हमें ट्रेलर के साथ, और हमने सुना आप, देखा भी है कि आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। बहुत अच्छी करते हैं भाई। बट ये जो मिमिक्री है किसी और की नहीं, यहाँ पर मंच पर जो बैठे हैं इनके साथ इतने हफ्ते गुजारे हैं साथ में, तो इनकी किसी की मिमिक्री रितेश की, रितेश एक्सप्रेशन मिलियन डॉलर एक्सप्रेशन राइट नाउ। रितेश सर खुद इतना अच्छा करते हैं सबका, आप पहले। पर रितेश सर का दो एक्सप्रेशन मुझे याद है, सुबह जब आते हैं करते हैं, शाम को पूछिए कैसा रहा, कैसा रहा, कैसा रहा। रितेश के डॉपलगैंगर लग रहे थे लिटरली। बट थैंक यू भाई, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट केस तो बनता है के लिए। गोपाल, मेरा अगला सवाल आपसे है। बहुत सालों से आप वर्ल्ड ऑफ कॉमेडी में रहे हैं, हाउ डू यू थिंक कि केस तो बनता है इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉमेडी शोज? यार ये डिफरेंट इसलिए कि बहुत हाई प्रोफाइल है ये, मतलब मैं जो अभी तक कर रहा था बहुत ऐसा लोकल न्यूज़पेपर वाला था, अब ये पेज 3 है, तो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं इसमें, मतलब फ्रॉम रितेश सर टू वरुण टू एवरीवन, परितोष, ये सब बहुत ख़तरनाक लोग हैं ये, तो इसलिए बहुत मज़ा आया इसमें। और जो हमारे गेस्ट हैं वो तो आपने देख ही लिया है, तो उस लिहाज से काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी मज़ेदार है, तो एक ऐसा जंप है एक। वो जंप में अगर आप पे कोई केस बनना है तो कौन सा, और अगर आपको अपने आप को निर्दोष साबित करना है तो कैसे करेंगे? यार मेरे को देख के लग रहा है आपको मुझे कोई केस बन सकता है मुझ पे, वो पता ना, वो मैं दिखता मुझे नहीं लगता यार। हाँ वो कहते हैं ना कि वो डायलॉग है ना, मैं क्या दिखता तो हूँ स्वीट इनोसेंट टाइप का, हाँ पर मैं आगे वाली लाइन नहीं बोलूंगा सर। नहीं नहीं ले पारितोष भी अग्री कर रहा है वहाँ पे कि ये सही बात है, नहीं नहीं मैं इतना मतलब देख के ही मुझे कौन मुझ पे इल्जाम लगाएगा यार। अच्छा काम करते पारितोष, तुम इल्जाम लगाओ, देखते क्या कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं। आप मेरे पे इल्जाम लगाइए, मैं इनके जैसा आंसर करूंगा। मैं रितेश को दूंगा, एक्चुअली रितेश, रितेश एक इल्जाम लगा दो यार, वो उनकी तरह आंसर कर देंगे, दिखेगा नहीं। गोपाल जी पे एक इल्जाम लगा दो आप। गोपाल जी, जब आपको पता चला कि करीना जी शो पर आई हैं और उनके ऊपर आपको इल्ज़ाम लगाना है, तो आपको कैसा लगा? क्रेजी। फिर करीना जी के बाद जब सारा आई तो आपको कैसा लगा? कैरेक्टर में घुस के कर गया चश्मा पहन के। यार मुझे ना सैफ वाली फीलिंग आई, वाओ। वेल क्रेजी क्रेजी, थैंक यू भाई। परितोष के होते हुए मेरी जरूरत भी नहीं है इस शो को एक्चुअली। वही प्रूव करना चाहते परितोष आज। वही वही। वेल अगला सवाल, मोनिका, अ वेरी डियर फ्रेंड, गुड टू सी यू grow so much and you know sharing this stage with the diggaj from the industry, how do you feel to be a part of Case to Banta Hai? Thank you so much Sachin, extremely lucky and extremely happy when I got a call for this show, and after knowing that who all are involved in this show, it's like an icing on the cake ki comedy ke diggaj literally sare hain yahan pe, and jab pata chala ki Riteish sir is also there, and you know it's been directed by our lovely director Sajid sir, he has been a guiding support for this entire shoot, and matlab jo ek
of course, we all are confident, we do our stuff, we've done, but the kind of that extra X factor wala confidence jo sir dete hai backstage aake, that has really helped me grow in this show. And of course, Varun, I've done a show with him also before that, Flipkart ka, and uske baad Gopal ji, again, a very spontaneous person, and Paritosh, I've done a show with him on Happy Hours for a year. We've been associated 6 years back. So the kind of energies that I get from this show, the kind of synergies that everybody puts together while practicing, improvs that keep happening, that actually makes you a even a better comedian person, actor, you know, you can say whatever, but bahut hi zyada maza aata hai. And Bani ji putting this together, all of us, it's been a great journey, experiencing so many different multitudes of comedy and improvisations. It's been fantastic. इतना सीरियस मैंने इसको जिंदगी में नहीं सुना. बोले इतनी सीरियसनेस आ गई है मोनिका में. थोड़ा वो प्रोफेशन बीच में आ गया एंकर वाला. मोनिका, व्हाट्स योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस शो? व्हाट्स द बिगेस्ट टेक अवे? पंजाबी हमेशा सच बोल देते हैं. No, but honestly, just be calm and be yourself and enjoy the process. That's what I've learned more in this. And in bracket, jo usne bola, check. Yes, check, yeah. Yes. No, but thank you so much, and wishing you the super best for Case to Banta. And very proud of you, very proud of you. Thank you so much, thank you. Let's have a huge round of applause for all these guys. Request to please be seated. Ab jo hai na, yahan se agar मेरा गला पकड़ लेंगे, केस वेस कुछ नहीं करेंगे, सीधा बोले तू निकल जा बाहर से, कितना बोलता है. अब मैं बोलना बंद करूंगा, बिकॉज द फ्लोर इज ओपन फॉर मीडिया Q&A. आप आपके सवाल पूछ सकते हैं. मेरी दरख्वास्त है, हम्बल रिक्वेस्ट, टू प्लीज स्टिक टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू Amazon मिनी TV एंड केस तो बनता है. और मेरी दरख्वास्त है कि सवाल पूछने से पहले प्लीज़ आपका नाम बताइएगा, द पब्लिकेशन दैट यू बिलोंग टू, और फिर आपका सवाल. द प्रोसेस इज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये सवाल किससे पूछना चाहते हैं? सो प्लीज़ रेज योर हैंड, आवर वॉलंटियर्स विल हेल्प यू विद द माइक हियर.